ऋषिकेश सुलभ की कहानी कुसुम कथा। यह कहानी मनोविज्ञान पर आधारित है कि कैसे मनुष्य के जीवन पर घटनाओं का प्रभाव पड़ता है और इन घटनाओं से जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाती है। इस कहानी में दुर्जटी पांडे का परिवार है जिसमें दो बेटियां हैं, कुसुम बड़ी बेटी और कुमुद छोटी बेटी जो कुसुम से लगभग 2 वर्ष छोटी है। बड़ी चंचल और हर कार्य में दक्ष है। दुर्जटी पांडे का बड़ा बेटा पंडित रुद्रदेव पांडे है जो मंदिर के पुजारी हैं और बड़े भोले भाले इंसान हैं। लोग उन्हें उनके नाम से नहीं पुजारी जी कहकर बुलाते हैं। पिछले 100 वर्षों से बने इस मंदिर में इनकी पिछली पीढ़ियां पूजा करती आ रही है। गांव के एक कायस्थ परिवार ने मंदिर की पूजा करने के लिए यह जमीन दिया था। 5 बीघा जमीन मंदिर की देखभाल के लिए मिली थी और यही जमीन परिवार की जीविका का साधन भी थी। रुद्रदेव पांडे के 2 बच्चे हैं, नीलेश और उसकी बड़ी बहन जिसे इस कहानी में दीदिया कहकर पुकारते हैं। नीलेश और उसके पिता नहीं चाहते हैं कि नीलेश पुजारी बने। वे चाहते हैं कि मैं मास्टर बनूं और देवघाट में ही बच्चों को पढ़ाऊं और उनकी मृत्यु के बाद पुजारी बन जाऊं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानी के अन्य पात्रों का परिचय पहले ही हो गया क्योंकि कुसुम बुआ इस कहानी की नायिका है। कहानी उनके इर्द गिर्द घूमती है। कहानी में लेखक ने पात्रों की कहानी उनके द्वारा ही कहलवाई है। आगे हम इस प्रकार देखते हैं कि रुद्रदेव पांडे की शादी होती है तो उनकी पत्नी और बहन कुसुम में गहरी दोस्ती हो जाती है जिसका उल्टा असर कुमुद पर पड़ता है। वह सोचती है कि भाभी ने आकर मेरी बड़ी बहन को मुझसे छीन लिया और धीरे धीरे कुमुद के मन में अपनी भाभी और बड़ी बहन कुसुम के लिए नफरत भर गई। वह कुसुम से भी दूर होती गई, चुप रहने लगी। उसके बाद कुमुद ने कभी अपनी भाभी का प्यार स्वीकार नहीं किया, अंदर ही अंदर घुटने लगी। शायद बदले की भावना ने जन्म ले लिया। दुर्जटी पांडे की पत्नी जीवित नहीं थी जिसके कारण कुसुम ही घर की देखभाल संभालती थी। कुसुम बड़ी ही होनहार थी। उसकी शादी के साथ ही उसने प्राइवेट से मैट्रिक की परीक्षा की थी। कुसुम की शादी पास के ही गांव के एक साधारण परिवार में हुई थी। उनके पति का नाम यदुनाथ दुबे है। शादी के समय यदुनाथ दुबे पढ़े लिखे थे लेकिन नौकरी नहीं थी। वे चाहते थे कि नौकरी मिलने तक कुसुम अपनी मायके में ही रहे। तो यदुनाथ दुबे आए दिन ससुराल आने लगे। कुसुम बुआ हर बात से खुश और संतुष्ट लगती थी। तभी एक दुर्घटना ने पूरे परिवार पर मानो बिजली गिरा दी। कुमुद का शरीर नीला पड़ गया, होंठ एकदम खाले पड़ गए और अंत समय बहुत छटपटाई। पूरे परिवार रिश्ते को कलंक लग गया। रिश्तेदारों ने बड़ी सहायता की, जल्दी जल्दी अंतिम संस्कार किया और बात को छिपाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन यह छुपने वाली घटना न थी। इस दुर्घटना से तो कुसुम बुआ एकदम मुरझा गई, पत्थर बन गई। इस दिन के बाद किसी ने बुआ को हंसते मुस्कुराते न देखा। दुर्जटी पांडे ने भी अपनी बेटी कुसुम की इच्छा जाने बगैर बिना बुलावे के कुसुम को अपने बेटे के साथ ससुराल भिजवा दिया। वे शादीशुदा बेटी को घर में नहीं रखना चाहते थे। बुआ भी उस व्यक्ति के घर जाना नहीं चाहती थी जिसने कुसुम बुआ की बहन के साथ अनैतिक संबंध बनाकर उसे कलंकित करके इस दुनिया से भेज दिया। और इधर उन्हें पिता अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं। कुसुम बुआ को 1 साल बाद यदुनाथ दुबे उनका पति अपने साथ बम्बई ले गया। बुआ के साथ एक देसी कट्टे का बक्सा गया। इन कट्टों को बेचकर यदुनाथ ने अपना व्यवसाय शुरू किया जिसमें शराब, मटका, हथियार, एक्स्ट्रा डांसरों की सप्लाई आदि घृणित काम करके बहुत बड़ा व्यवसाय उसने स्थापित किया जिसमें कार, बंगला, रुपया, पैसा, बड़ा दफ्तर सब कुछ था। और एक कमसिन अंग्रेजी बोलने वाली औरत उसके लिए काम करती है। कुसुम बुआ को कोई ऐतराज न हुआ इस पर क्योंकि वह अपनी बहन के हत्यारे को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करना चाहती थी और उसकी पाप की कमाई
का अन्न खाकर पाप भुगत रही थी। नीलेश रेलवे की नौकरी का इंटरव्यू देने मुंबई आया तो खोजते हुए कुसुम बुआ के पास पहुंचा और बोला, बाबा रात भर अकेले रोते हैं, बाबूजी और अम्मा की आंखें हमेशा आपके लिए रोती हैं, दीदिया भी आपके बारे में कई किस्से बताती है, बुआ मैं आपको ले जाने आया हूँ, चलिए। लेकिन कुसुम बुआ जवाब देती है कि मैं कभी वापस नहीं जाने का निर्णय लेकर यहाँ आई थी, मेरे पिता दुर्जटी पांडे नहीं चाहते कि मैं वापस जाऊं और यदुनाथ दुबे को तो मैंने जीते जी ही मरा मान लिया है और अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सो इस प्रकार यह कहानी का कुसुम कथा कहानी का सारांश पूरा होता है। अब हम इस कहानी की विशेषता देखते हैं कि विशेषता इस प्रकार है, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुशियों की कल्पना करता है, वैसे ही कुसुम बुआ ने भी ख्वाब बुना कि वे 25 साल बाद पति के साथ देवघाट जाने वाली थी लेकिन अकेली ही गई। कहानी की शुरुआत इस घटना से ही होती है लेकिन अंत में वे स्वयं कहती है कि मैंने बहुत कुछ झूठ बोला। यह एक व्यक्ति का मनोविज्ञान है कि वह खुशियों की कल्पना करता है, सपने देखता है और किसी न किसी रूप में उसे व्यक्त करके आत्मसंतुष्टि प्राप्त करता है। और इस कहानी का दूसरा मनोवैज्ञानिक तथ्य इस प्रकार है, कुमुद की घटना से स्पष्ट होता है कि भाभी के आने से बहन कुसुम का दूर होना, जिसका बदला वह इस प्रकार लेती है कि वह स्वयं को सजा देती है और ऐसा कृत्य करती है जो उसने कभी नहीं करना चाहिए और ऐसा करकर अपना जीवन भी समाप्त कर लेती है। इसके अतिरिक्त यह एक मर्मस्पर्शी कहानी है जिसमें कुमुद के जीवन का अंत पाठकों को दुखी कर देता है। इस प्रकार कुसुम कथा का सारांश पूरा हुआ और आप प्रश्न 3 का उत्तर लिखने के लिए इस भाग का उपयोग, सारांश का उपयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ये सारे सारांश को एक पॉइंट वाइज लिख दिया है जो आपको याद रखने में भी सहायता करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये है एक अंकीय प्रश्नमाला, एक अंकीय और एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखने वाले प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ तैयार किए हैं जिसे आप देख सकते हैं। और प्रश्न पत्र में इसके पूरी किताब में से 10 प्रश्न आएंगे जो एक एक अंक के होंगे। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर जो है प्रश्न नंबर 2, स्वसंदर्भ व्याख्या कीजिए। इसमें इस पाठ में से आपको कोई वाक्य दे दिया जाएगा, गद्यांश दे दिया जाएगा जिसकी आपको स्वसंदर्भ व्याख्या करना है। इसके लिए मैंने केवल एक ही स्वसंदर्भ व्याख्या के प्रश्न का उत्तर तैयार किया है, आप इस फॉर्मेट का अनुसरण कर सकते हैं और किस प्रकार यह प्रश्न का उत्तर लिखना है। और तीसरा प्रश्न सारांश लिखकर विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, उसमें आप वीडियो के पहले भाग का उपयोग कर सकते हैं। चौथा प्रश्न आता है टिप्पणी लिखिए, तो इसमें भी आपको एक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा जो होगा 5 अंक का। यहाँ पर मैंने केवल 2 ही टिप्पणी आपके लिए तैयार की है जिसे आप देख सकते हैं कि कैसे लिखा जाएगा। सो टिप्पणी के लिए आपको प्रश्न पत्र में 2 शीर्षक दिए जा सकते हैं पूरी किताब में से और उसमें से आपको एक पर लिखना होगा, जिसके लिए आपको सबसे पहले शीर्षक का परिचय लिखना होता है, यहाँ आप देख रहे हैं। उसके बाद आपको ये समझना है कि आप उस शीर्षक के विषय में किस तरह से अपनी तरफ से टिप्पणी लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 टिप्पणी आप देख रहे हैं, एक है रुद्रदेव पांडे के ऊपर जिसका परिचय पहले पैराग्राफ में दिया है और उसके बारे में अगले पैराग्राफ में रुद्रदेव पांडे के चरित्र और उनके जो विचार हैं, उनकी जो स्थिति परिस्थिति है वो सब हमें लिखना होता है। दूसरा टिप्पणी है कुमुद, जिसको भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुमुद का परिचय हमने कैसे दिया है और उसके बाद कुमुद के बारे में टिप्पणी यहाँ पर तैयार की गई है। सो मैं समझती हूँ छात्रों यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी और आप इसका अनुसरण कर सकते हैं। धन्यवाद।